Hello everyone, welcome back to YouTube channel Interlearning Academy. We are back with the new video for class 4 English NCRT Unit 3. And the title of the poem is Run. And who is the poetress of this poem? Mary Dawn. So, children, what is this poem trying to tell us? This poem is trying to tell us to run. This poem is countryside hai, raindrops mein hai, we also have to run through the hillside, now let's start the poem, read and enjoy this poem, run, away from the city and into the sun, out to the country, run, 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 run in the raindrops, run near the trees, run little races with each little breeze, run down the hillside, run up the lane,

हमारी पोएट्रेस क्या कह रही है यहाँ पे कि हमें दौड़ना है हमें सिटी से बाहर दौड़ना है हमें ज़्यादा धूप में नहीं कम धूप में दौड़ना है आउट टू द कंट्री रन 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 इन द रेन ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश की बूंदें रन इन द रेन ड्रॉप्स रन नी द ट्रीज नो चिल्ड्रन वॉट इज दिस हाउ वी विल रीड दिस एन ई ए टी एच इसे कैसे रीड करेंगे बिनीत बिनीत का मतलब होता है नीचे under fine children run in the rain drops run beneath the trees run little races with each little breeze so what is the poetess trying to tell us in second paragraph run in the rain drops मतलब बारिश की बूंदें में भी भागो run beneath the trees trees के नीचे भी दौड़ लगाओ run little races छोटी-छोटी races दौड़ो with each little breeze breeze का मतलब होता है gentle wind, ठंडी हवा

नो चिल्ड्रेन वॉट यून ब लेन लेन का मतलब होता है गलियों में दौड़ना है हिल साइड में दौड़ना है रन थ्रू द मीडो वॉट इज मीडो चिल्ड्रेन मीडो इज अ पीस ऑफ ग्रास लैंड वॉट इज मीडो अ पीस ऑफ ग्रास लैंड देन रन बैक अगेन फिर वापस वहां पर दौड़ना है रन एंड बी मेरी मेरी का मतलब होता है खुश हैप्पी चेयरफुल ऑल थ्रू द डे ऑल थ्रू द डे का मतलब होता है सारा दिन ऑल थ्रू द डे का मतलब होता है सारा दिन रन टू द कंट्री अवे अवे सो वॉट इज द पोइट्रेजिंग दैट कि हमको दौड़ना है हमें कहाँ कहाँ दौड़ना है अवे फ्रॉम द सिटी मतलब सिटी से दूर दौड़ना है कंट्री से दूर दौड़ना है और बारिश की बूंदों में भी दौड़ लगानी है रन बिनिथ द ट्रीज ट्रीज़ के नीचे भी गोल गोल रन करना है रन लिटिल रेसेस छोटी छोटी रेजर्स भी रन करना है विथ ईच लिटिल ब्रीज ब्रीज का मतलब होता है ठंडी ठंडी हवा रन डाउन द हिल साइड ढाल रन अप द लेन लेन का मतलब होता है गलिया रन थ्रू द मीडो अ पीस ऑफ ग्रास लैंड देन रन बैक अगेन रन बैक अगेन का मतलब होता है वापस दौड़ लगाओ रन एंड बी मैरी दौड़ लगा के आप खुश हो जाओ ऑल थ्रू द डे मतलब सारा दिन रन टू द कंट्री अवे अवे हु पोएट्रीज ये डॉन्ट सो व्हाट आर द न्यू वर्ड्स दैट वी हैव लर्न इन दिस पोम रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश की बूंदे का मतलब होता है अंडर नीचे ब्रीज का मतलब होता है जेंटल विंड एंड हिल साइड का मतलब होता है ढाल एंड मीडो का मतलब होता है अ पीस ऑफ ग्रास लैंड जहां पे घास होती है मेरी का मतलब होता है हैप्पी खुश या चेयरफुल नाउ लेट्स मूव अड दिस हाउ द चिल्ड्रन आर रनिंग कोई यहाँ पे दौड़ लगा रहा है कोई यहाँ पे दौड़ लगा रहा है देखो यहाँ पे आर रनिंग बिनीथ द ट्रीज कोई यहाँ पे हिल साइड दौड़ लगा रहा है कहीं सिटी में दौड़ लगा रहा है फाइन चिल्ड्रेन नाउ वट इज द पोम टेल टू डू हमें पोएम क्या है करने के लिए दैट वी हैव टू रन द पोम टेल्स us रन टूवर्ड्स कंट्री साइड throughout द डे एंड अवे फ्रॉम द सिटी दूर दूर तक दौड़ लगाना है सिटी से बाहर तक दौड़ लगाना है राइट अबाउट द प्लेसिस वेयर द पोएट वॉन्ट टू रन हमें कहाँ कहाँ दौड़ लगानी है द पोएट वॉन्ट्स टू रन टूवर्ड्स कंट्री साइड बिनीथ द ट्रीज का मतलब होता है ट्रीज के नीचे डाउन द हिल साइड का मतलब होता है ढाल अब दल इन गलियों में भी दौड़ लगाना है एंड थ्रू द मीडो मीडियो का मतलब होता है अ पीस ऑफ ग्रास लैंड सो वेयर आर द प्लेसिस दैट द पोइंट वॉन्ट अस टू रन कंट्री साइड

हेल्दी भी रखती है और फ्रेश भी रखती है एंड फिट भी रखती है है ना चिल्ड्रन छोटे छोटे बच्चों को सबको दौड़ लगाना बहुत पसंद आता है इससे क्या होता है हम लोग फिट भी रहते हैं हेल्दी भी रहते हैं और फ्रेश भी रहते हैं जैसे कि आप मान लो आप सो रहे हो क्लास में आपको बहुत ही बोरिंग लेक्चर हो रहा है कोई अब आप बैठ के सो रहे हो आपकी मैम है आप सो रहे हो मैम क्या बोलेगी जाओ एक राउंड मार के आओ आप जाओगे दौड़ लगा के आओगे जब आप दौड़ लगा के वापस आओगे तो हाउ यू विल फील यू विल फील वेरी हेल्दी एंड फ्रेश नेक्स्ट रनिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज नेम एनी थ्री गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन रनिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमें ऐसे तीन नाम बताना है ऐसे तीन गेम्स के नाम बताना है जहाँ पे हम लोग भाग सकते हैं आ, जैसे कि कबड्डी हो गया क्रिकेट हो गया फुटबॉल हो गया खो खो हो गया

When I run fast, जब मैं तेज दौड़ता हूँ I feel that the whole body gets warm. मेरी पूरी बॉडी में गर्माहट आ जाती है And my heart beats beats faster. और हार्ट धक 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 होने लग जाता है जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था आपको बहुत ही नींद आ रही है क्लास में फिर आपको मैम कहती जाओ कि दौड़ लगा के आओ जब आप दौड़ लगा के वापस आते हो तो आपको क्या कैसा लगता है ऐसे हार्ट बीट जो है आपकी तेज़ी हो जाती है नेक्स्ट से अलाउड जोर जोर से बोलना है बीनित फियर ब्रीज ईच नीडो एंड मीट लेट स्पेल चलो इनके स्पेलिंग्स देखते हैं सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड राइट डबल ई और ई ए इन ईच वर्ड टी आर डबल ई एस ट्रीज पी एल ई एस ई प्लीज मतलब होता है छेड़ना टीच टीई सी एच टीच फाइन चिल्ड्रेन लेट्स रिपीट दिस ट्रीज प्लीज टीस एंड टीच नेक्स्ट वी हैव स्लीप एस एल डबल ई पी स्ली नेक्स्ट वी हैव बीप बी डबल ई पी बीप नेक्स्ट वी हैव फीट एफ डब्ल्यू टी फीड भी लिख सकते हो आप एफ ई ए टी फीड भी लिख सकते हैं बट ये नहीं लिखे तो अच्छा है विल राइट ओनली दिस नेक्स्ट वी हैव मीट एम डब्ल्यू टी मीट भी लिख सकते हो एम ई एटी मीट भी लिख सकते हो बोथ आर करेक्ट फाइन चिल लेट्स रिपीट दिस टीज प्लीज टीज टीच स्लीप बीप फीट मीट Fine. so children please do complete this next now add more words with double e and ea now or bahut sare words add karna and put them inside the bubbles and we have to put them inside the bubbles double e peak Feed. deep seed jeep and peep let's repeat these are double e words here yeah, we have double vowels kon kon se vowels double e wale fine children let's repeat just a second yeah peak feed deep seat jeep and peep next ea fear near peer peak plea and leap let's repeat that fear near पीय पीक प्ली एंड लीप नाउ लेट्स लिसन चलो सुनते हैं से द वर्ड अलाउड वन बाय वन जो जो से वर्ड को बोलना है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मूव आर बॉडी फाइन शोल्डर्स एज ऑल नो वॉट आर शोल्डर्स शोल्डर्स मूव दैन अप एंड डाउन वॉट वी हैव टू डू दैट

हॉप करना है मार्च करना है एंड टिप टॉप करना है ये आप अपने आप से करोगे नेक्स्ट लेट्स राइट आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज वॉट इज हैपनिंग इन पिक्चर नंबर फाइव द गर्ल इज ड्राइविंग इन टू द वॉटर नाउ चिल्ड्रन वॉट इज द क्वेश्चन योर आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज यहां पे देखना है आपको पिक्चर्स में ट इज हैपनिंग इन पिक्चर नंबर फाइव वेर इज पिक्चर नंबर फाइव ये है पिक्चर नंबर फाइव वॉट इज है यहाँ पे द गर्ल इज डाइविंग इन टू द वॉटर पानी में वो डुबकी लगा रही है वॉट इज शी डूइंगी इज डाइविंग इन टू द वॉटर डाइविंग का मतलब होता है डुबकी लगाना वॉट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर फोर पिक्चर फोर मोहन क्या प्रैक्टिस कर रहा है ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जम्प वॉट इज ई प्रैक्टिसिंग ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जम्प नेक्स्ट वॉट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिच्चर थ्री सबसे पहले देखो वेरी पिचर थ्री इब यहाँ पे अनिल एंड उसके फ्रेंड्स क्या पुल कर रहे हैं क्या खींच रहे हैं अनिल एंड इज फ्रेंड्स आर पुलिंग द रोप क्या खींच रहे हैं कैन यू सी रोप खींच रहे हैं रोप का मतलब होता है रस्सी दिस इज ऑल्सो वन गेप टग ऑफ द वॉर नेक्स्ट वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर टू वेयर इज पिक्चर टू दिस इज पिक्चर टू अब पिक्चर टू में वेयर आर द बोट्स रेसिंग कहाँ पे रेस चल रही है पानी में द बोट्स आर रेसिंग इन द रिवर सो वॉट इज आंसर फॉर दिस द बोट्स आर रेसिंग इन द रिवर फाइन चिल्ड्रेन नेक्स्ट वॉट आर द बॉयज डूइंग इन पिचर वन पिच्चर वन में बॉयज क्या कर रहे हैं दौड़ लगा रहे हैं

वेयर इज हाउ एंड वाई नेक्स्ट हाउ मेनी बॉयज आर रनिंग इन द रेस मैंने क्वेश्चन बनाया इसका हाउ मेनी बॉयज आर रनिंग इन द रेस कितने लड़के दौड़ रहे हैं रेस में सेकेंड वाई आर द बॉयज पोलिंग द रोप ये जो बॉयज रस्सी खींच रहे हैं ये क्यों खींच रहे हैं वेयर इज द गर्ल जंपिंग इन टू गर्ल कहाँ पे जम्प कर रही है वेर आर द बोर्ड्स रेसिंग बोर्ड्स पे रेस कर रहे हैं वॉट नंबर डू यू सी ऑन द बॉयज टी शर्ट इस बॉय के टी शर्ट में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है हमें वॉट आर द गर्ल्स डूइंग गर्ल्स क्या कर रही है Fine, children. Now, it is not compulsory कि आपको यही सेंटेंसेस लिखना है यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेज बायर सेल्फ ऑल्सो इट इज नॉट कि जो मैम ने लिखाया है वही आपको लिखना है यू कैन डू दिस बायर सेल्फ ऑल्सो आप चेंज भी कर सकते हो बट मेक श्योर आप इन्हें हाउ से यूज करेंगे जैसे कि मैंने यहां पे एक सेंटेंस यूज किया है विथ हाउ वाई यूज किया है वेर यूज किया है एंड वॉट यूज किया है फाइन चिल्ड्रेन दैट्स ऑल फॉर टूडे चिल्ड्रेन आई होप यू हैव लव दिस पोम विल मीट यू सून विद न्यू पोम और न्यू स्टोरी टिल देन बाय टेक केयर एंड स्टे ब्लेस थैंक यू